हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट प्रिय रंजन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कानूनी रास्ता जस्टिस फॉर ऑल। आज का वीडियो सीरीज में हम जानेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में। एआईबी 14th का एग्ज़ाम कब शुरू होगा, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने का, मोड ऑफ पेमेंट कब है, क्या है, कैसे फॉर्म भरेंगे, और ये भी जानेंगे एडमिट कार्ड कब तक आएगा, एग्जामिनेशन कब तक होंगे और आपका रिजल्ट कब आएगा। तो आप पूरी बात जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिरी तक बने रहें। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग आज एक नया नोटिफिकेशन आया है। यह नोटिफिकेशन www.allindiabaregamination.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप इस नोटिफिकेशन में पाएंगे कि 10 जून 2019 आज से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है एआईबी 14th के लिए, और इसकी पेमेंट कल से शुरू होगी ऑनलाइन पेमेंट 11 जून 2019, और आखिरी दिन है फॉर्म भरने का 12 अगस्त 2019, और आप पेमेंट कर पाएंगे यहाँ पर 14 अगस्त 2019 तक। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बैंक से चलान कराकर भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। 17 अगस्त 2019 को एडमिट कार्ड रिलीज होने का डेट है और 25 अगस्त 2019 को एग्ज़ाम होने के लिए डेट दिया गया है। दोस्तों, आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो पहले आपको किसी भी बार काउंसिल में, मतलब बार स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होना जरूरी है। आपके पास इनरोलमेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए। फॉर्म भरने से पहले आप इनरोलमेंट सर्टिफिकेट का फोटोस्टेट करा लीजिए, उस पर सेल्फ अटेस्टेट करके साइन कीजिए और उसको स्कैन करके PDF में रख लीजिए। उसी तरह से फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो स्कैन कर लीजिए, अपना सिग्नेचर स्कैन कर लीजिए और उसको फॉर्म भरते समय आपको अपलोड करना होगा। आप डिटेल्स डालेंगे इसमें, कब का इनरोलमेंट है, कौन इनरोलमेंट नंबर क्या है, कहाँ से आपने लॉग किया है, क्या मार्क्स है, ये सारी डिटेल्स आप डालेंगे। एड्रेस भी डालेंगे, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। उसके बाद फॉर्म जब आप सबमिट करेंगे तो पेमेंट के लिए दो ऑप्शन आएगा, चलान का और ऑनलाइन पेमेंट का, और ये 3500 कुछ रुपए जाता है। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो +2% चार्जेस जाते हैं। ऑनलाइन पेमेंट में आपको डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग सारे फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं, वहाँ से मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन के। और ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप बैंक में जाकर चलान जमा करेंगे और उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फॉर्म जमा होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो एप्लीकेशन नंबर अपने पास लिख कर कहीं सेव रख लीजिए। उसी एप्लीकेशन नंबर से आपको एडमिट कार्ड रिलीज जब होगा तो आपको उसी नंबर से आपको एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड करना होगा। हाँ, एक ज़रूरी बात, जो आप फॉर्म भरते हैं उसको आप उस फॉर्म को आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को नहीं भेजना होता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड कॉपी होती है, वो आपके पास ही रहे। और देखिए दोस्तों, होता क्या है कि साल में दो बार फॉर्म भरे जाते हैं AIB के, और एग्ज़ाम कभी कभी दो बार हो जाते हैं, अभी तो हुए नहीं है, एक बार भी, एक ही बार होता है। डेट को पोस्टपोन कर देते हैं, वो देखेंगे नोटिफिकेशन में लिखा होगा ऑल राइट्स आर रिजर्व और उसके बारे में लिखा होगा कि डेट एक्सटेंड कर सकते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन आपको करना क्या है, अभी आपको अपना फॉर्म भरना है, जब एग्ज़ाम होगा तब होगा। एग्ज़ाम बहुत ही आसान होते हैं, ये ओपन एग्ज़ाम होता है। ओपन एग्ज़ाम करने का मतलब है आप जितनी मर्जी चाहें उतनी मर्जी बुक ले जा सकते हैं, बैरक ले जा सकते हैं, और बहुत आसान एग्ज़ाम होता है। और आपको क्वालिफाई करने के लिए इस एग्ज़ाम को सिर्फ 40% लाने होते हैं, कोई रिजर्व कैटेगरी नहीं है। 100 नंबर के पेपर होंगे, अगर उसमें से 40 नंबर आप लाते हैं देन यू आर क्वालिफाई। आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो जो आपका प्रोविजनल आइडेंटिटी कार्ड बनता है एडवोकेट का, वो परमानेंट हो जाता है, वो 10 साल के लिए एक्सटेंड हो जाता है। फिलहाल आपको 2 साल के लिए ही प्रोविजनल आईडी मिलती है, 2 साल के अंदर आपको AIB का एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, ठीक है। और ये एग्ज़ाम देने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं हर जगह केस कंटेस्ट करने के लिए, वैसे ऐसे भी होते हैं। अब करना क्या है कि आपको अपनी तैयारी करनी है, फॉर्म भरना है और ऑफिशियल वेबसाइट को बार बार चेक करते रहना है। अगर आप आगे ऐसी तरह की वीडियो जानना चाहते हैं, AIB के बारे में अपडेट जानना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन AIB का आप तक सबसे पहले पहुँचे। AIB के एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।